नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालते हैं हरियाणा के टॉप 25 खबरों पर। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों के शिखर बैठक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की कमान सौंपी गई। भारत की इस उपलब्धि पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी प्रशंसा जाहिर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोनीपत में 30 एकीकृत पैक हाउस का किया उद्घाटन। इस मौके पर नरेंद्र तोमर ने पीएम और सीएम का आभार जताया और साथ ही किसानों से प्राकृतिक खेती की अपील भी की। हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हुई तैयार। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग को लेन ड्राइविंग का माहौल तैयार करने के लिए आदेश दिए। फतेहाबाद में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 22 और 25 तारीख को होंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं चुनाव को लेकर आरओ, सहायक आरओ सहित सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां तैयार कर दी गई हैं। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप सिंह प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर सोनीपत के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। गुरुग्राम के मदनपुरी में रहने वाले रेवांश ने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता। रेवांश ने तैराकी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर वालों के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। गोहाना शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर परिषद और पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इस दौरान दुकान के बाहर सामान और बोर्ड को उठाने को लेकर कुछ दुकानदार कर्मचारियों के साथ बहस करते दिखे। लोहारू के चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ ही छात्र जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों में काफी गुस्सा है। चरखी दादरी में गांव की ओर जाने वाली सड़क पर एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। देर रात आरोपियों ने बोलेरो में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोहाना में दुकानदारों ने एक युवक को चोरी की बाइक समेत पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल कुछ दिन पहले ही पुरानी सब्जी मंडी के पास इसी युवक ने एक बाइक चोरी की। हरियाणा के जींद में पैसेंजर ट्रेन से पानीपत में जींद आ रही महिला के बैग से दो युवकों ने सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। उस समय महिला के बच्चे मोबाइल में फोन गेम खेल रहे थे। अंबाला के गीता गोपाल चौक से क्लिनिक जा रही महिला से बाइक सवार बदमाश ने पर्स झपट लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में दयालबाग स्थित एक खाली मैदान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। अंबाला के मिट्टापुर के पास कार चालक ने महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें तेपला गांव निवासी 31 वर्षीय नीरू और 65 वर्षीय सोमवती गंभीर रूप से घायल हो गई। अंबाला में कंपनी द्वारा हॉलीडे पैकेज देने के नाम पर 80,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसपी अंबाला को दी शिकायत के बाद थाना बलदेव नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। करनाल में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी बिजली चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, क्योंकि बिजली चोर भी हाईटेक हो गए। उन्होंने स्मार्ट मीटर का भी तोड़ निकाल दिया है। करनाल में नगर निगम ने अब वार्ड वार सफाई व्यवस्था की कार्य योजना बनाकर अमल शुरू कर दिया है, जिससे हर वार्ड की अपनी अलग अलग टीम होंगी, अलग कर्मचारी होंगे। करनाल में सरकारी धान खरीद बंद होने के बाद करनाल अनाज मंडी में कर्मचारियों ने जमकर लापरवाही बरती। बासमती की आवक तो करीब 8,000 क्विंटल हुई, लेकिन गेट पास सिर्फ 4 कटे। अंबाला के हाईवे नंबर 44 पर जगह जगह लगे मिट्टी के ढेर व मलबे के कारण लुधियाना से आ रहे ऋषिकेश जा रहे कार सवार परिवार की गाड़ी टकरा गई। हादसे में कार सवारों को मामूली चोट आई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत आज गीता मैराथन से होगी। इसमें विधायक सुभाष सुधा, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी समेत शहर के 2,000 से ज्यादा लोग दौड़ेंगे। शाहबाद में 2 साल पहले सूरजमुखी के घटिया किस्म के बीज किसानों को बेचने के मामले में कंपनी संचालक पर कार्रवाई न होने से किसानों में रोष पनप रहा है। इस मामले में किसानों ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को शिकायत दी थी। कुंडरी में निजी बस चालकों की मनमर्जी से खफा स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थी और ग्रामीणों ने वीरवार को गांव हावड़ी में जाम लगा दिया। इससे निजी बसों के पहिए थम गए। सुबह 8 बजे से लगा ये जाम दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। चरखी दादरी के डोहका हरिया निवासी किशोर का मारपीट के अपहरण करने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जजर में खाचरौली गांव के पास बोलेरो गाड़ी से सवार युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वारदात देर रात हुई। गुरुवार सुबह 12 फुटार रोड पर गाड़ी के अंदर शव मिला। गांव चंद्रभानपुरा में संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ निकलने से युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त 20 वर्षीय राहुल निवासी
चंद्रभानपुरा के रूप में हुई है।